अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखाऊंगी जेंडोस्पर्म की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमें कपड़ा लेना होता है 2.5 मीटर। ये जो यहाँ से विड्थ का पन्ना है ये 1.5 गज वाला पन्ना है। पहले मैं दिखाऊंगी मेजरमेंट कैसे लेते हैं जेंडोस्पर्म के लिए। अब देखो पहले मेजरमेंट कैसे लेना होता है। ये है फेरम की लेंथ है इसकी 47 इंचेस प्लस 3 इंचेस, 3 इंचेस हमें हेमिंग के लिए रखना होता है। फिर हमें बैक लेना होता है जो नेक का सेंटर है, नेक की सेंटर से हमें लेना है बैक और हम रिस्ट तक लेना होता है, वो है 33 इंचेस प्लस 3 इंचेस, इसमें भी रखना है हेमिंग के लिए। फिर इसका बॉर्डर लेना होता है। इसका बॉर्डर है 38 इंचेस। फिर इसका नेक मेजरमेंट करना होता है। नेक मेजरमेंट है इसका 17 इंचेस। ये जो मैंने मेजरमेंट दिखाया आप लोगों को मेजरमेंट कैसे लेना होता है फेरन के लिए, ये मेजरमेंट हमने इनडायरेक्ट लिया है। जो यहाँ पे हमें जो ये फेरन है इसका मेजरमेंट ये है। लेंथ है इसका 43 इंचेस प्लस 3 इंचेस, 3 इंचेस हमें हेमिंग के लिए। बैक टू आर्म लेंथ है 30 इंचेस प्लस 3 इंचेस, 3 इंचेस हमें हेमिंग के लिए। बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लेंथ है इस पे 38 इंचेस। जो हमने पहले दिखाया फेरन का मेजरमेंट कैसे लेना होता है ये वो वाला मेजरमेंट नहीं है, इसका मेजरमेंट ये वाला है। पहले हमें लेंथ लेना है 43 इंचेस, हमने लेंथ लिया है 3 इंचेस हमने रखा है हेमिंग के लिए। यहाँ पे भी रखना है यही मेजरमेंट 43 इंचेस, 3 इंचेस हमें हेमिंग के लिए लेना है। ये जो हमने ऊपर के दो पीसेस हैं कि इस दो पीसेस को हमें पैनल पीसेस दो निकालने और आर्म निकालना है। जो नीचे वाला पीस है उस पे हमें कलियां पीसेस निकालने हैं और पॉकेट्स निकालने और आर्म पिक पीसेस निकालने होते हैं। अब हम पहले अब देखो कैसे करना है। पहले हमें इन दो पीसेस को कट करना है। ऊपर के दो पीसेस हैं इसको हमें पैनल दो पीसेस निकालने और आर्म, जो नीचे का पीसेस है इस पे हमें कलियां पीसेस निकालने होते हैं। पहले हमें यहाँ पे जो इस साइड से जो लिखा हुआ है पहले हमें ये कट करना है, यानी कि माउल साइज बड़ा कट करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ साइड था इस पे मैंने आधा कट किया है। अब देखो कैसे लेना होता है पैनल दो पीसेस के लिए कपड़ा। 16 इंचेस रखना होता है, 16 इंचेस यहाँ पे भी हमने 16 इंचेस रखा है, यहाँ पे भी 16 इंचेस। शुरू इंचेस ही था पैनल दो पीसेस, यानी कि रात पाइस। ये जो हमने कट किया है इस पे हमें आर्म दो पीसेस बनाना है, आर्म दो निकालने हैं। अब जो हमने पैनल दो पीसेस निकाले इसको यहां से भी कट करना है। ये है पैनल दो पीसेस। अब जो ये कपड़ा जो बच गया पैनल दो पीसेस से इस पे हमें आर्म निकालना है। जो हमने पैनल पीसेस दो काटे हैं उसकी साइड से जो हमें कपड़ा बच गया उस पे हमें आर्म दो निकालने हैं। ये दो साइड मैंने रखा है आर्म के लिए कपड़ा। यहां से 8.5 इंचेस लेना है, यहां से 9 इंचेस। अब हमें पहले 8 इंचेस छोड़ के 8 इंचेस हमने बैक का छोड़ा है। बैक से लेकर आर्म तक इसकी लेंथ है 13 इंचेस।
ये जो एक्स्ट्रा कवर है ये कट करना है, अब देखो ऐसे मेजरमेंट करना है फरन की आर्म के लिए। 8 इंचेस हमने बैक के रखे हैं, बैक से लेकर रिस्ट तक ये बन जाता है 30 इंचेस, इसकी लेंथ है 30 इंचेस, 8 इंच मैंने छोड़ा है बैक का, ओवर है 22 इसका आर्म लेंथ, फिर 8 मिला के ये बन जाता है 30 इंचेस। यहाँ पे हमने रखा है 8.5 इंच, यहाँ पे हमने रखा है 9 इंच। रिस्टोर इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करना है ऐसे, जो ये कपड़ा बच गया इसको हम आर्म पिट पीसेस निकालेंगे। अब जो ये हमने आर्म 2 काटे हैं, यहां से जो ये कपड़ा बच गया है इस पे हमें आर्म पिट पीसेस 2 निकालने थे, यानी कि कट्स बच। इस पे हमें आर्म पिट पीसेस 2 निकालने हैं, यानी कि कट्स वाइज 7 इंच, यहां से भी रखना है 7 इंच। इसको यहां से भी 7 इंच रखना है, यहां से भी 7 इंच रखना है। अब जो ये वाला कपड़ा है इस पे हमें कलियां पीसेस 4 निकालने हैं। अब देखो कलियां पीसेस 4 कैसे हमें कट करना है, ऐसे हमें पहले इसको लेंथ रखनी है, पहले हम कलियां पीसेस को लेंथ रखेंगे, जैसे हमने पैनल 2 पीसेस को लेंथ रखा है वैसे इस पे भी रखना है पहले लेंथ इन 4 पीसेस को। ये मैंने कपड़ा ऐसे लिया है, इस पे भी हमें 8 इंचेस छोड़ने हैं, वो 8 इंचेस हमें आर्म के छोड़ने हैं, फिर आर्म के 8 इंचेस मिला के हमें इसकी लेंथ डालनी होती है। जैसे हमने पैनल का लेंथ हमने लिया है 46, इसकी लेंथ हम लेंगे 47 इंचेस, 1 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे ये 4 पीसेस कट करने हैं। अब जो ये लिखा हुआ साइड है इसको ऐसे रखना है, यहां से ये आधा कट करना है। यहां से हमें लेंथ लेनी होती है, 8 इंचेस छोड़ के यहां से हमें लेंथ लेना होता है। अब हमें बॉर्डर लेना है, इसका बॉर्डर हमें ऐसे लेना है, इस तरह रखना है ये कपड़ा। अब ऐसे बॉर्डर लेना है, यहां से हमें इसको लेंथ लेना होता है, यहां से हमें इसका बॉर्डर लेना है। बॉर्डर के लिए हमें 30 इंच छोड़ के बॉर्डर है हमारा 38 इंचेस, इसका बॉर्डर है 1 इंचेस हमें एक्स्ट्रा रखना है इंटरलॉक के लिए और स्टिचिंग के लिए। अब यहां से हमें और रखना है 38 इंचेस, 1 इंचेस एक्स्ट्रा। ये बॉर्डर का मेजरमेंट है, पहले 30 इंच छोड़ के 30 इंच हमने छोड़ा है पैनल के 2 पीस, जो हमने पैनल निकाले है 16-16 इंचेस उसके हमने 30 इंच छोड़े है। ये बैक वाला साइड 39 इंचेस, फिर हमें फ्रंट वाला साइड डालना है 39 इंचेस। ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसे भी मेजरमेंट कर सकता है, 15 इंचेस छोड़ के 38 इंच हमारा पहला बैक वाला साइड है, फिर
फिर और 15 इंच छोड़ के, 15 इंच छोड़ के और 38 इंच लेंथ, और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है स्टिचिंग के लिए। ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसे मैंने दो तरीका आप लोगों को दिखाया मेजरमेंट कैसे लेते हैं। 15 इंच छोड़ के भी, 30 इंच छोड़ के भी ऐसे आता है मेजरमेंट सेम। अब जो ये कपड़ा है यहां से, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हमें ये कट करना है। ये जो हमने निकाला, या हमने कलियां 4 पीसेस के लिए कपड़ा निकाला है, यानी कि हंस बच चोर चाह काटने है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने निकाला है। अब हमें कलियां पीसेस 4 बनाने हैं। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगी वो 4 पीसेस। ये कपड़ा ऐसे रखना है, लिखा हुआ है साइड से हमें लेंथ लेना होता है। ये जो हमें यहां से हमने बॉर्डर लिया है, अब हमें 4 पीसेस मिला के ऐसे इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है ऐसे। अब देखो मैंने कैसे रखा है, ये ऐसे रखना है। यहां से 2 इंच बाहर की तरफ निकालना है, यहां से अंदर की तरफ 2 इंच लेना है हरण की कलियां पीसेस 4 के लिए। राइट से हमें बाहर की तरफ निकालना है 2 इंच, लेफ्ट से हमें अंदर की तरफ 2 इंच लेना है। यहां से 2 इंच छोड़ के ये आ गया, यहां से 12.5 इंच, यहां से भी 2 इंच छोड़ के 12.5 इंच। यहां से राइट से ऊपर की तरफ है 12.5 इंच, यहां से नीचे की तरफ 12.5 इंच। ये अब देखो 12.5 इंच प्लस और करना है 12.5 इंच, वो बन गया है 25 इंच। अब ये जो दो पीस है कलियां पीसेस दो है, ये साइड से लगता है, एक साइड यहां से पैनल, ये कलियां पीसेस, यहां से भी कलियां पीसेस, बीच में हमें जो हमने पैनल पीस निकाला है वो डालना है बीच में। यहां से इसका 12.5 इंच एक कलिया पीस है, दूसरे साइड से 12.5 इंच एक कलिया पीस है, बीच में 15 इंच पैनल पीस है। अब जो यहाँ पे हमने रखा है पैनल कलिया पीसेस दो आता है 25 इंच प्लस 15 इंच हमें लेना है पैनल, वो बन गया 40 इंच। अब जो ये 40 इंच बन गया, इस पे इंटरलॉक के लिए जाएगा और हमें स्टिचिंग के लिए जाएगा। हमें तैयार रखना है फेरन 38 इंच। अब देखो कट कैसे करना है कलियां पीसेस, यानी कि हम पीसन सुन कितने जाए कट करूं, ऐसे कट करना है। मगर एक चीज का ख्याल रखना है इस पे एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, ये जो छोटा वाला पीस है इसको ऐसे रखना है, ऐसे ही लेना है इस तरह, कभी गलती से इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखना है जैसे मैंने लिया है, इसको ऐसे ही रखना है। अब इसको ये जो लिखा लिखा हुआ साइड है इसको आप अपने साइड लाना है ऐसे। अब जो यहां से भी ये बंद करके इसको भी हमें कट करना है पहले, यहां से हमें 2.5 इंच नीचे की, 2.5 इंच भी जा सकते हैं, 2 इंच भी जा सकते हैं। ये जो लिखा हुआ साइड है उसी साइड से हमें नीचे की तरफ जाना है 2 इंच। दो इंच नीचे की तरफ जाना है इस, और इस पॉइंट को 0 करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। यहां से एक चारों पीसेस कट कर रहे हैं,
यहां से ऐसे मार्क करना है, जहां से मैंने मार्क किया है इसी साइड से हमें पॉकेट का डालना है यहाँ पे। अब यहां से इस पे ऐसे मेजरमेंट करना है और 8 इंच छोड़ के 8 इंच आर्म का है। यहाँ पे हमने रखा है पैनल पीसेस 46 इंच, यहां पे भी हम रखेंगे 46 इंच। अब जो ये एक्स्ट्रा है ये कट कर लें। ये बन गया क्लियर पीसेस 4। अब पॉकेट निकालना है, पॉकेट 2 हमें निकालना है। पॉकेट के लिए हमें लेंथ लेना है 21 इंच, पॉकेट के लिए लेंथ होना चाहिए 21 इंच। यहां से 7 इंच, यहां से भी 7 इंच। यहां से भी 7 इंच रखना है। यहां पे ऐसे नॉट करना है। अब इस और इसको ऐसे सेंटर बनाना है। पॉकेट 2 है, ये 2 पॉकेट है, इस पे ऐसे सेंटर बनाना है। अब यहां से इस पे नीचे की तरफ 2 इंच जाना है, इसके साथ 0 करना है, इसके साथ इसको ज्वाइन करना है ऐसे। अब यहां पे इसको ऐसे कट करना है। ये बन गए पॉकेट 2। ये बन गए पॉकेट 2। अब जो ये कपड़ा बच गया है इस पे हमें बर्न बनाना है, इस वाले कपड़े से हमें बर्न बनानी है। ये जो फेरन को हमें नेक बर्न टाइप बनाना है, ये कपड़ा उसके लिए रखा है। अब जो ये 2 पीसेस है, ये चेन को हमने 2 पीस रखा है। इस पीस से हमें कॉलर भी बना सकता है, बर्न भी बना सकता है, हमें बर्न बनानी है। यहाँ पे जो ये वाला पीस है हमें चेन के लिए रखा है, ये 2 पीसेस। अब जो ये फेरन का मैं और रिपीट करूंगी क्या क्या पीसेस इस पे निकालना होता है। ये है पैनल पीसेस 2, यानी कि रात पच ज। ये है क्लियर पीसेस 4, यानी कि हंस सुअर पीस। ये है आर्म पिट पीस, यानी कि कसवज। ये है आर्म 2, यानी कि निर्ज। ये है पॉकेट्स 2, यानी कि चंद्र। ये है बाकी जो हमें कॉलर बनाना है या बर्न बनाना है उसके लिए कपड़ा है, और ये चेन के लिए कपड़ा है। ड्राफ्टिंग तो कटिंग इज कंप्लीट फेयरनेस बहुत है, वो एम पर स्टिचिंग किस कंच कराना है फेयरनेस।